एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डीआईवाई गैलरी। माय नेम इज सुप्रिया। तो आज का जो वीडियो है वो हम बनाएंगे उसमें इस तरह का एक मल्टीपर्पज़ लैम्प, नहीं तो फिर फ्लावर वास। आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए रहेगा एक वेस्ट एग ग्रेट, जो कि घर में नॉर्मली अवेलेबल ही होता है। एंड इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, इसकी जो एक एक कप्स हैं उनको ईजिली रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर, और या फिर आप स्टेंसिल नाइफ की हेल्प से भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो अब रिमूव करेंगे तो इस तरह से हमें जो कप्स हैं वो मिल जाएंगे। एंड हम लोगों को एक्चुअली चाहिए रहेंगे बहुत ही, मतलब जितना ये क्रेट है उतने कप्स चाहिए ही रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप जब इसे करें तो एक ही बार में सब कुछ सभी जो कप्स हैं उसे कट कर लें, अदरवाइज़ बार बार फिर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो कप्स हैं वो मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे दूंगी थोड़ा सा फ्लावर का पैटर्न, मैं इसे दूंगी। तो इसमें मैं हल्के हल्के से कट लगा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको भी करना है, हल्का हल्का सा कट लगाना है। एंड अभी ऊपर से हम इसे शेप दे देंगे, ऊपर से राउंड शेप दे देंगे, और इसका जो पैटर्न बन जाएगा वो एक फ्लावर जैसा बन जाएगा। तो आप इसमें जितनी मर्जी चाहें उतनी इसके जो पेटल्स हैं वो निकाल सकते हैं। मैंने किसी में 4, 5, 6 ऐसे ही निकाले हैं। एंड हम मेरे जितने भी पेटल्स हैं जो फ्लावर वाले पेटल्स हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ। कलर मैंने लिए हैं एक्रेलिक कलर लिए हैं मैंने। एंड इसमें मैंने पिंक शेड लिया है, डार्क पिंक शेड। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेड चूज़ कर सकते हैं, जिस थीम का आपको बनाना है उस थीम का आप चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें डबल शेड भी कर सकते हैं, या तो फिर इसमें आप डॉट्स भी दे सकते हैं, जो भी आपका जितनी क्रिएटिविटी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं बस आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रही हूँ कि मैंने इस तरह से यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी जो फ्लावर पेटल्स हैं वो सबको मैं कलर कर लूँगी। एंड कलर करने के बाद मैं सबको एक जैसा कलर कर रही हूँ, लाइक मैं सबको पिंक कर रही हूँ। एंड इसको मैं अंदर से कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं बाहर से भी इस तरह से इसको कलर करना है। अंदर बाहर दोनों तरफ से आप इसे कलर कर लेंगे तो आपके पास एक बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं आपके पास रेडी हो जाएंगे। तो जब तक ये कलर होते हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड लास्ट तक देख के बताइएगा कि आपको जो ये वीडियो है ये कैसा लगा है, एंड साथ में कमेंट भी करना है। तो हमारे जितने भी पेटल्स हैं वो सभी बन के रेडी हैं हमारे फ्लावर्स। एंड अभी इस तरह से मैंने एक वेस्ट बॉटल लिया है। ये वेस्ट बॉटल बहुत ही इजीली मिलता ही है सबके घर में, कोक वगैरह आते रहते हैं, फ्रूटी की बॉटल है ये मेरी। तो इसको मैंने हाफ कट कर लिया है। हाफ कट करने के बाद अभी मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, हमारे जो भी फ्लावर्स थे उसको मैं हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर दूँगी। एंड इसका जो एक जो लुक है बॉटल का वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। वन मोर थिंग गाइस, आप चाहें तो ना बॉटल को कलर भी कर सकती हैं, पेंट भी कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे को पेंट करना होता बॉटल को तो मैं इसमें पिंक कलर का ही पेंट करती, जिस कलर का मेरे पेटल्स हैं, क्योंकि बीच बीच में ये जो गैप्स हैं ये हमें फिर उस कलर का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें कलर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो हमारे जितने भी पेटल्स हैं वो मैंने पेस्ट कर दिए हैं ग्लू गन की हेल्प से। एंड ये हमारी जो बॉटल है उसका ये लुक कुछ ऐसा आ गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और इसको इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वाइट कलर। एंड अभी मैं इसमें डॉट डालूँगी बीच में, एंड वाइट कलर से थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग दे दूँगी, जो हमने जो पेटल्स कट किए थे फ्लावर्स के उसकी शेडिंग दे दूंगी। एंड ये कुछ इस तरह से लग रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो अभी हम इसे डेकोरेट करते हैं। तो इसमें मैंने ऐड की है फेरी लाइट्स। आप चाहे तो नॉर्मल जो लड़ियाँ होती हैं, जो लाइट्स होती हैं, वो भी इसमें लगा सकते हैं, बट मैंने इसको मल्टीपर्पज़ बनाया है। तो चाहे मैं इसमें फेरी लाइट भी यूज़ कर सकती हूँ, और नहीं तो फिर मैं इसे एज अ फ्लावर वास भी यूज़ कर सकती हूँ।
तो मैं आपको आगे जाके दिखाऊँ, आगे वीडियो में बताऊँगी कि मैंने इसे एज अ फ्लावर वास कैसे यूज़ किया है। तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिएगा एंड बताइएगा कि आपको जो मेरा ये क्रिएटिविटी है, ये मेरा जो आइडिया है, ये कैसा लगा है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना मेरी वीडियो को एंड कमेंट करके बताना। सो ये हमारा जो फ्लावर वास है ये भी रेडी हो गया है एंड ये हमारे पास कुछ पिक्स हैं, ये मैंने पिक्चर ली है इसके साथ। तो सो दैट्स इट गाइस, जो मेरा वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।